अभी हम देखेंगे हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है ना, वो हम बना तो लेते हैं मगर किस तरीके से हम प्रैक्टिकली उसे देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश करिए कि होता क्या है, ठीक है। तो हमने एक रॉड ले ली, ठीक है, आयरन की, ये मैग्नेट है, सिंपल मैग्नेट, तो हमने ये इसके चिपका लिया, ठीक। तो इससे लोहे की ये क्या चीज है, ये की या पिन, पिन ऑल पिन, ये चिपकेगी और अगर इसे हटा लूंगा तो नहीं चिपकेगी। तो इसे मैं इसके लगा के देखता हूँ, पहले नहीं चिपकेगी, ठीक है, मगर मतलब ये पहले से मैग्नेट नहीं है इसके अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैग्नेट को यहां लगाता हूँ और फिर इसको देखता हूँ। अभी भी काम के लिए फेल कर दी, पास कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा पास लेके आते हैं। तो अभी ये चिपक गई इसके, ठीक है। अब ये मैग्नेट में हटाऊंगा, तो अगर मैं ये मैग्नेट हटाऊंगा तो आप ये बताइए ये होगा क्या, हट जाएगी पिन, है ना। मगर हमने हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा है, वो कहेगा नहीं साहब नहीं हटेगी, ये चिपकी रहेगी। देखते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व की वजह से चिपकी रही। अब क्या करूंगा, ये नॉर्थ पोल था, अब मैं इसे घुमाऊंगा, दूसरा पोल लाऊंगा इसके सामने, तो क्या होगा, तो ये हट गई। मतलब हमने जो एच था ना उसको लेके गए और जो बी था उसकी वैल्यू जीरो कर दी, तो हट गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो रेजिस्टेंस कर्व कैसे काम करता है, ये जुगाड़ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच।